सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल हिंदी एंड्रॉयटेक। तो आज की वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में आगे भी स्वागत करता रहूंगा। तो मोस्ट वेलकम आज की इस वीडियो में आने के लिए। सो आज का हमारा गाइस मेन टॉपिक क्या होने वाला है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में अपने जो व्हाट्सअप को कैसे चला सकते हैं। हाँ जी गाइस, यहाँ पर डेस्कटॉप व्हाट्सअप जो होता है उसे कैसे चला सकते हैं। आपको इसके लिए कोई ब्लूस्टैक 5 या कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपने जो लैपटॉप या कंप्यूटर में व्हाट्सअप चला सकते हैं इजीली। सो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, सिंपली आपको स्टेप्स को फॉलो करना है एंड देन आपको कुछ नहीं करना, सिंपल स्टेप्स होने वाले हैं। सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके बिल्कुल आप जो अपना व्हाट्सअप है वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में चला पाओगे। सो सिंपली अभी हमें क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है, हमारा फर्स्ट ऐप है गूगल क्रोम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गूगल क्रोम, सिंपली इसको ओपन कर लेना है। मैं आपको दो स्टेप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो सिंपली मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सर्च करना है व्हाट्सअप डाउनलोड फॉर PC विंडोज़ 11। जो भी आपकी विंडो है ये यहाँ पर सर्च कर लेनी है, ठीक है। सो सिंपली आपको क्या करना है, डाउनलोड व्हाट्सअप। यहाँ पर आपको दूसरा लिंक दिख रहा है व्हाट्सअप डेस्कटॉप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। सो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। सो सिंपली इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सो सिंपली ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग वगैरह देख सकते हैं एंड यहाँ पे इसका जो फुल रिव्यू है यहाँ पे दिखाया हुआ है, कितने लोगों ने इसे डाउनलोड किया है एंड कैसा है इसका इंटरफेस है अंदर का वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट को सपोर्ट करता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है। सिंपली यहाँ पे आपको गेम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने इसे साइन इन नहीं किया है तो साइन इन भी कर सकते हैं इसमें एंड यहाँ पे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे टेलीग्राम भी है और ये जो दो ऐप और हैं आप इन्हें अगर इसके बारे में जानते हैं तो इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली टेलीग्राम भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके एंड सिंपली अभी हमें व्हाट्सअप डाउनलोड करना है तो सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा गेट इन स्टोर ऐप। तो यहाँ पे फ्री है ये, बिल्कुल कोई पेड वर्जन इसका है नहीं, सिंपली आपको फ्री में डाउनलोड करना है ये गेट इन स्टोर ऐप। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो ओपन हो गया है। सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है आपको एंड जैसे ही इंस्टॉल पर क्लिक करोगे ये जो इसकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है एंड ये इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपरली। अभी सिंपली हमें इसे ओपन कर लेना है। अब जैसे ही इसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा कनेक्टिंग। सो सिंपली मेरा जो व्हाट्सएप है वो ओपन हो चुका है। आपके सामने कुछ अलग इंटरफेस आएगा, आपको QR कोड दिखेगा यहाँ पे, सिंपली आपको स्कैन कर लेना है। मैंने इसे पहले से ही चलाया हुआ था इसलिए सिंपली ओपन हो चुका है। सो सिंपली आपके सामने व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। सो अभी ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ओपन हो चुका है, मेरी प्रोफाइल वगैरह सब यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अभी जो मेरा बिजनेस व्हाट्सएप है तो यहाँ पे बिजनेस व्हाट्सएप ये ओपन हो चुका है। सो सिंपली बिजनेस व्हाट्सएप भी आप इसमें आसानी से चला सकते हैं जो मैंने आपको स्टेप्स बताए उनको फॉलो करके। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप है हमारा, यहाँ पे आपको सर्च करना है होम। पहले होम में जाना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टाइप सर्च एंड यहाँ पे सर्च कर लेना आपको माइक्रोसॉफ्ट। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट सर्च करोगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर दिख जाएगा। सिंपल और इजी स्टेप है ये बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है, सिंपली से हम इसे ओपन होने देते हैं एंड देन यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है व्हाट्सअप। अब जैसे ही आप व्हाट्सअप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको सामने ऑप्शन आ जाएगा व्हाट्सअप डेस्कटॉप। सो सिंपली इस पर क्लिक कर देना आपको एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है एंड इसे इंस्टॉल कर सकते हो एंड यहाँ पे मेरा जो पहले से इंस्टॉल है सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल पर जैसे आप क्लिक करोगे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसकी रेटिंग वगैरह एंड यहाँ पे आपको फेसबुक मैसेंजर काफ़ी ऐप्स मिल जाएंगी एंड इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो सिंपली आज की मेरी वीडियो का मेन टॉपिक यही था, व्हाट्सअप को कैसे अपने जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कैसे चलाया जाए। सो सिंपली आपका जो व्हाट्सअप हो यहाँ पे चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको अपना जो व्हाट्सअप है दिखा देता हूँ। सो सिंपली ये मेरा व्हाट्सअप रहा, सिंपली मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ एंड देन ये ओपन हो जाता है।
तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल हिंदी एंड्रॉइड टेक को लाल बटन पर क्लिक कर, एंड अच्छा सा आपका एक प्यारा सा कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, एंड इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एंड कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ऐसी ट्रथ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर जुड़ जाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा गाइज, अभी के लिए बाय, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।